हिस्टोरिकली ऐतिहासिक देखा जाए तो पिछले कई सालों से जो 189 कंट्रीज की रैंकिंग करते हैं उसमें हिंदुस्तान 130-140 इस रेंज में रहा है। सन 2014 में हम लोग 142 पे थे, उसके बाद पिछले दो वर्षों में 131 और 130 पे हम लोग आए हैं और ये कोई जनरलाइज्ड रैंकिंग नहीं होती कि आपने क्या क्या कार्रवाई की अपने देश में बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने की, ये कुछ स्पेसिफिक क्षेत्रों में होती है और उसकी बहुत ही कठिन मापदंड लेते हैं वो। और इस साल की जो रैंकिंग दी गई है उसमें पिछले वर्ष की 130 नंबर रैंकिंग से हम लोग 30 स्थान आगे आकर 100 नंबर पर आए हैं। सो द जंप दैट इंडिया हैज मेड दिस ईयर इज अ 30 पॉइंट जंप विच इज द हाईएस्ट जंप दैट एनी कंट्री हैज मेड इन द डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स इटसेल्फ। और ये हिंदुस्तान के लिए बहुत सिग्निफिकेंट इसलिए है कि हम लोग पिछले 3-4 साल से विशेष प्रयास कर रहे हैं कि जो 10 क्राइटेरिया हैं उनमें हर क्राइटेरिया के ऊपर हम लोग सुधार करने का प्रयास करें ताकि व्यवसाय बिजनेस करना हिंदुस्तान के अंदर सरल हो जाए। इसका मूल्यांकन इतना कठिन होता है कि कई बार आप लोगों ने रिफॉर्म्स हमने कर भी लिए लेकिन उसका पूरा क्रेडिट अभी मिलता नहीं है जब तक उसका असर जमीन के ऊपर नहीं दिखता। और पहली जून हर साल की उसके लिए वो कट ऑफ मानते हैं कि पहली जून से पहले वो क्राइटेरिया स्पष्ट सामने आना चाहिए। इस साल कुछ विशेष पहलू हैं, उन्होंने कुछ देशों के नाम लिए हैं जहां स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं, ऐसे 10 देशों के नाम लिए हैं। बाकी देश बहुत छोटे हैं, उनमें मेजर बड़े देशों में से केवल हिंदुस्तान का नाम लिया है कि इंडिया इज वन कंट्री विच हैज बीन अंडरटेकिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स दिस ईयर।